केंद्र सरकार ने अपने नववर्ष के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। आम जनता को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं से लेकर आधारभूत संरचना में बड़े निवेश समेत कई निर्णयों से भारत एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में विश्व में अहम भूमिका अदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन नौ वर्षों में लगभग हर क्षेत्र को विकास की दृष्टि से ऊपर उठाया गया और योजनाओं के माध्यम से जहां लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, वहीं देश की अर्थव्यवस्था में भी विभिन्न क्षेत्रों के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिली है। धर्मशाला में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विषय विशेषज्ञों व अन्य योजना के लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री के नौ वर्ष के कार्यकाल को स्वर्णिम बताया। भारत आज वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। इसका प्रमुख कारण जो पिछले नौ वर्षों में भारत सरकार द्वारा जो विदेशी निवेश को लेकर के नीतियाँ अपनाई गई, उसके साथ साथ जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जो सुधार हुआ है उसके कारण, और जो मोदी सरकार ने पिछले पाँच साल में जो योजनाएं उसमें लागू की, जिसमें आपके आधारिक संरचना, जिसमें सड़कें, परिवहन सुविधाएं, उसके साथ साथ रेलवे लाइन और ग्रामीण विकास पर जो जोर दिया है। पिछले नौ वर्षों से जिस तरह से मोदी सरकार ने कार्य किया है, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हुई है और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो स्टार्टअप के कार्यक्रम चले हैं, स्किल इंडिया के कार्यक्रम चले हैं, और जो रक्षा क्षेत्र में रक्षा उपकरण के लिए जो हमारी सरकार ने प्रोत्साहन दिया है, और इसके साथ साथ जो सिंगल विंडो व्यवस्था मोदी जी ने यहाँ पे निर्धारित की थी, और जिस तरह से उस ओर हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने कार्य किया है, तो निश्चित रूप से इन वर्षों में जिस तरह से सरकार ने ईमानदारी के साथ और एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य किया है, हमारी आज जो अर्थव्यवस्था है ये दुनिया के जो प्रमुख देश हैं उनमें शामिल है। अगर हम कोरोना काल की बात करें, क्योंकि एक वैश्विक महामारी थी जिसमें हमने ये देखा कि जो बड़े से बड़े जो अर्थव्यवस्था थी, बड़े से बड़े जो आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र भी थे, उनकी भी अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई थी। तो मोदी सरकार ने बड़ी दृढ़ इच्छे शक्ति से साथ कार्य करते हुए और वैश्विक कल्याण और मानव कल्याण के लिए कार्य करते हुए, जिस तरह वैक्सीनेशन का यहाँ निर्माण हुआ है, और जो उसमें उनका मोदी जी ने जो बाकी विश्व के और देश थे वहाँ पर वैक्सीन पहुँचाने का काम किया है, तो जहाँ एक और लोगों को बीमारी से बचाया है, दूसरी ओर जो फार्मास्यूटिकल हमारी जो इंडस्ट्री थी उसको भी बढ़ावा यहाँ पर मिला है। सबसे पहले जाएं 2014 में, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी, तो सबसे पहले उन्होंने एक तो स्वच्छ भारत और जन धन योजना जो चलाई, जिसमें लोगों के खाते बिना पैसे के प्रारंभ किए गए, ताकि जो भी राशि व्यक्ति के पास, चाहे वो किसान हो या महिला हो या कोई वृद्ध हो, उन सबको जो सरकारी राशि थी वो उनके अकाउंट में जा रही थी, जिससे के लोगों को सीधे लाभ मिला और जो बिचौलिए थे वो ख़त्म हुए। उसके बाद जो डिजिटाइजेशन किया, जिससे कि क्या हुआ कि पैसे का लेन देन, जिसमें के सीधे से सीधे भारत को बहुत बड़ा लाभ मिला। भारत को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में है, और ये एक ऐसा नेतृत्व है जो डिजिटल इंडिया को बहुत बड़ा, भारत को एक तोहफा मिला है। 68 सालों में ये पहली बार हुआ है कि भारत की जनता एक तो करप्शन मुक्त हुई है, जिसका कारण है JAM, जनधन खाता, आधार और मोबाइल। अभी मोबाइल से सारे जो पेमेंट है डिजिटल इंडिया के माध्यम से वो काफ़ी हो रहे हैं, और करप्शन की जो संभावनाएं थी वो ख़त्म हो गई है, और ऐसा ही चलता रहा भारत में तो वो दिन दूर नहीं है जो भारत विश्व गुरु के रूप में उभरेगा डिजिटल इंडिया को लेकर। पिछले नौ वर्ष की अगर बात करें तो भारत ने अपने संबंध अपने पड़ोसियों के साथ साथ पूरी दुनिया के जो एक जियोपॉलिटिकल सेंटर है उसको सुधार करने का कोशिश किया, और सबसे बड़ा जो फोकस था वो आर्थिकी और रोज़गार को बढ़ाने पर था। तो जिस तरह से संबंध बढ़े, उसमें एक जिस तरह से भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने
ई वीज़ा फैसिलिटी, जो बाहर से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आता उनको वीज़ा फैसिलिटेशन के लिए ऑनलाइन वीज़ा फैसिलिटी थी, जिसको ई वीज़ा कह सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे कदम हुए जिस तरह से भारत के डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ाने के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक देखो अपना देश इस तरह की योजना और कनेक्टिविटी जो एक मेन पार्ट है उसको बनाने के लिए, चाहे सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, एक्सप्रेसवे, फोर लेन या इंटरनेशनल कनेक्टिविटीज़, फ्लाइट की ड्यूरेशन, जैसे अपना डोमेस्टिक एयरलाइंस, एयरपोर्ट, एयर स्ट्रिप, उसका बहुत सारा विकास किया गया। उसकी वजह से अपने देश में पर्यटन का जिस तरह से विकास हुआ है उससे आर्थिकी को भी बल मिला है और देश का एक तरह से रोजगार और स्वरोजगार की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। डीडी न्यूज़ के लिए धर्मशाला से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।